विधानसभा कहांगा थाना प्रभारी ओपी चौधरी ने गश्त के दौरान नशे का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के कहनला थाना क्षेत्र के गांव किवाना रोड रेलवे फाटक का है, जहां पर कहनला थाना प्रभारी ओपी चौधरी अपनी पुलिस के साथ रात्रि के समय गश्त कर रहे थे। इसी दौरान रामपुर खेड़ी निवासी मदन को पुलिस ने घूमते हुए पकड़ लिया, जिसके कब्जे से 5 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। साथ ही पकड़े गए युवक ने अपना गुनाह कबूल किया है, तो वहीं पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और युवक को जेल भेजकर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कहनला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। पुलिस ने क्यों पकड़ा? डबल। कब से करते हो तुम ये नशे का कारोबार? कितने दिन से बेचते हो? नहीं, अभी बेच रहा हूँ। और भी कोई साथी है तुम्हारा? कोई नहीं। ये युवक मदन समय को प्रकाश रामपुर खेड़ी का निवासी है। हम पुलिस पार्टी जो थी इधर से गश्त करते हुए किवाना की तरफ जा रहे थे, तो किवाना फाटक के पास हमें ये मिला, 5 किलो डोडे इसके पास से बरामद हुए और नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। कितने दिन से काम कर रहा है? ज़्यादा पुराना काम करने के बारे में तो उसने कुछ बताया नहीं है, लेकिन वो लेक डोडे लेके आ रहा था काम लगने। 5 किलो डोडा से।